मेरे को बस इंसाफ चाहिए, मेरे तीनों चार बच्चे के लिए खर्चा करें। मेरा घर दुआर कुछ नहीं बना, बड़े बड़े टाटी वाला घेर के रहते हैं, ईटा करकट में रहते हैं। हमारे घर दुआर कुछ नहीं बना। 7 बजे की छुट्टी है, 8:30 बजे छुट्टी होता था, 9 बजे छुट्टी होता था। झूठ बोल रहे, मेरे बाप के जान लिए हैं लोग। हाथ हाथ दिखाई, फैक्ट्री है इसमें मेरे पापा काम करते थे। अच्छा, यही बॉयलर है, गेट बंद है, ये देखिए सारा सामान खिल रहा है। आज की बात है, शाम के 7 बजे की बात है, बाल बटा है, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। कंपनी वाले, मेरा नाम राजकुमार है। हमारे यहाँ पे कोई एक लेडीज काम करती है, वो एक और मेरी बहन से कही तुम्हारे पापा को जाके बता लो, कंपनी में आग लग गई, बॉयलर फट गया है। यहाँ पे आए ना, हमारे पापा का मोबाइल मिल रहा है, ना गाड़ी मिल रहा है, जब वहाँ पे गए वहाँ पे जब उनसे लड़ाई करने लगे तब वो कहे अपोलो हॉस्पिटल में खत्म हो गए। मेरा भाई इसी कंपनी में काम करता है, बुआ का लड़का, वो कहता है कि मामा खत्म हो चुके हैं। तब यहाँ से लेके गए मरने के बाद, 2 जने यहाँ पे चले, 1 जने बची, मेरे पापा डेथ कर गए। मैं यहाँ पे करण जीत न कर रहता हूँ, गली नंबर 2 में। यहाँ पे ना बाऊ पहुँचा है, ना मैनेजर पहुँचा, कोई कम। ये है हमारे पापा का पेंट, ये देखिए हमारे पापा के शर्ट है, देखिए कोई कागज है कोई। यार ये कपड़ा तेन पछाड़ है कि उन्हें दईए ना, इधर देख, देखते रहो, देखते रहो, ये देखिए जला हुआ पूरा। आप आ सकते हो, कपड़ा कैसे जला हुआ, छोड़ दो छोड़ दो, कपड़ा जला, कपड़ा भी जला हुआ है उनका। ये देखिए पूरी पेंट पुंट सब बिखरी पड़ी है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई यहाँ पे भट्टी में आग लगने की वजह से। अब आग लगी कि बॉयलर फटी है, इतना नहीं हमको मालूम, हम सिर्फ कंपनी यहाँ से एक जनानी गई थी, वो बताएगी अपने पापा को बचा लो। हम सुने यहाँ पे आए तो कहते यहाँ ले गए, वहाँ ले गए तुम्हारे पापा को, कोई सूचना नहीं। जब उनसे लड़ाई करने लगे तब बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में है। हमारा भाई यहाँ पे काम करता, बुआ का लड़का, वो कहता है मामा खत्म हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद से ना उनका मोबाइल, ना गाड़ी, कुछ नहीं दे रहे हैं लोग। मोबाइल चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद कर दे रहे लोग। ना कंपनी का मालक पहुंचा, ना फोरमैन, ना नंबर दे रहे हैं कोई, ना कुछ कर रहे हैं। कंपनी का कोई वहां पे नहीं पहुंचा है हमारे हॉस्पिटल में। हम इतरबड़ फैक्ट्री है, ये इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। आज चल रहा था, 5-6 साल से काम कर रहे हैं। कितने काम करते हैं यहाँ मजदूर? 250-300 मजदूर काम करते इस फैक्ट्री। आज जैसे मजदूर दिवस था, किसी ने छुट्टी किसी को नहीं मिली। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही, हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? कि हमको, हमारे घर में मेरी 2 छोटी-छोटी बहनें हैं, ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई, हमारा घर नहीं बना है। हमारा तरफ से कोई आश्वासन मिला या कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं हुआ अभी। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या करोगे? इंसाफ नहीं मिलता, कंपनी सीज करो, ताला लगना चाहिए कंपनी में। मेरी लड़की 5 महीने के परमिट है, वो मेरी जो हड़ती हो, मेरा बाप बहुत ज्यादा तड़प के मारा, मेरा बाप को क्यों जान ले लिए तब? वहाँ पे बाबू भी नहीं आ रहा, वो भी पता नहीं चूल्हे में घुस गया। मैं आप सब मैं जगदम्बा कंपनी में काम करती हूँ, साइकिल डिपार्टमेंट। मेरे आदमी का 6:30 बजे फोन आया, वो बोला कि तेरी बेटी दामाद आए हैं, तू छुट्टी कर ले। मैं बोली कि मेरे 7:30 बजे छुट्टी होती है, मैं 7:30 बजे छुट्टी होंगी, 1 घंटा रह गया, मैं 1 घंटे के बाद छुट्टी कर लूँगी। उसके बाद 7:30 बजे मैं छुट्टी करी। उसके बाद जब मैं घर के पास आई तो मेरी लड़की फोन की, कहती मम्मी पापा एक जनानी आई थी कंपनी की, कंपनी की मेरी लड़की फोन की, कहती मम्मी पापा के कंपनी में आग लग गई। जब मैं सर वहाँ पहुँची तो पूरा धुआं धुआं हुआ था। मेरा भतीजा बोला कि मम्मा नहीं रहे इस दुनिया में। मैं वहाँ पे जब मैं उनसे पूछने लगी कि मेरा आदमी किस हॉस्पिटल में भर्ती किया है, कोई नहीं बता रहा था,
हमारे साथ जगदीश शर्मा है। मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाली हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। हस्बैंड की आयु? 40 साल की। हम अमृत टायर कंपनी में, अमित त्रवड़ में, अमृत बालक चलाते थे, लक्कर झोंकते थे, भट्टी वाली में लक्कर झोंकते थे। उनका 5-6 साल हो गए उनको काम करते हुए। जब ये बॉयलर जो आप कह रहे थे फटा है, उसके बारे में मेरे को नहीं पता। सारा लेबर सर, पूरी लेबर सही है, खाली 2 बंदे आदमी है, उसमें से 1 बंदा अभी भर्ती है, अब जिंदा है जगदीश शर्मा। दूसरे का नाम नहीं पता, दूसरे का नाम नहीं मालूम। लेकिन मेरे को एक लेडीज आके बताई, एक लेडीज बोली कि तू अपने बाप को बचा ले। मैं बोली क्या हुआ था? कहता कंपनी में आग लग गया। वो लेडीज आके बहुत रो रही थी, वो मेरे बाप को इंसाफ दिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप को इंसाफ दिलाओ, मेरा बाप वो तड़प तड़प के मरा होगा। वो लेडीज रोते हुए आई थी मेरे घर तक, अपने बाप को बचा ले। वो जनानी मैं बोली आके इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी, ना मेरा मकान बना, ना कुछ कर कर के घर में रहते हैं, कुछ नहीं है, लोन लेके बैठी हूं, सारा मेरा ना घर और कुछ नहीं बना। हम आप